नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीनियर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल के साथ और किसी भी कोएफिशिएंट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x-20 इक्वल टू 0 एंड 2x² + 3x-6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने आपको दिए गए। सेकेंड क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपको यहाँ पे सिक्स इक्वेशन दिए गए हैं, इस सिक्स इक्वेशन में से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिलोंग करते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं जिसके अंदर x² + 5x + -2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें देखना है। एक तो वेरिएबल देखना है और उसके बाद इंडेक्स देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आप वेरिएबल आपको एक ही नज़र आ रहा है, वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ द एक्स। यहाँ पे एक्स वेरिएबल दिया गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पर 2 है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर आपको वेरिएबल एक ही चाहिए और मैक्सिमम जो इंडेक्स होता है वहाँ पर 2 चाहिए। और ग्रेटर देन 2 होता है या लेस देन 2 होता है तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों भी चीज़ें यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में फॉलो की हुई हैं, इसकी वजह से हम कह देते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, y² = 5y - 10। अब सबसे पहले आपको जो है जो लीनियर इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इसके अंदर इसको लाना होता है। इसका मतलब राइट साइड में हमें 0 रखना है और जो भी टर्म्स राइट साइड में है उन्हें लेफ्ट साइड में ला लेना है। इसी टाइप में हमें पे ला लेते हैं y² - 5y + 10 = 0, जो राइट में है हमने लेफ्ट में ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको ऑब्जर्व कर लेना है वेरिएबल और कोएफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल और इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ द वाई, और इंडेक्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम 2 है। तो इस इक्वेशन में भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस है वो फॉलो की हुई है, इसके लिए हम यहाँ पे कह लेते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड में हम यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन जो कि यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है। सबसे पहले आपको लेना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई y² × y y³ + 1/y, ये देखिए इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो y डिवाइड में है, ये डिवाइड का जो y है यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाता है, तो y³ + 1 = 2y होता है। अब ये 2y को आपको इधर लेफ्ट साइड में लेना है, तो y³ - 2y + 1 = 0, इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इंडेक्स जो है 3 है और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स तो 1 है मगर जो इंडेक्स है यहाँ पे 3 बता रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो इंडेक्स की कंडीशन जो है तो यहाँ पे सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज़ द वाई, ये कंडीशन तो करेक्ट है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे कितना चाहिए 2 चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स है यहाँ पर ग्रेटर दैन 2 है। सो नेक्स्ट 4 नंबर में इस तरह का दिया इक्वेशन है, यहाँ पे फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है x² + 1/x = 2। अभी x² में मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2 के पास, तो यहाँ x² + 1 = 2x, 2x आपको लेफ्ट साइड में लेना है, तो x² - 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो वेरिएबल है x, दैट इज़ द x एंड दैट इज़ द जो इंडेक्स है, आप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स मिलेगा 2, मैक्सिमम इंडेक्स यार 2। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, करेक्ट, यहाँ पे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे फॉलो की गई हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट में 4 नंबर में यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट दिए गए हैं। आपको क्या करना होगा, दो भी ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले यम से यम को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद यम से 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 2 से m को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखिए m से m को मल्टीप्लाई किया, m² - 5m + 2m और उसके बाद -10। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है इनके अंदर आपको जो है सब्सट्रैक्शन कर लेना है, तो m² - 3m - 10 = 0 इक्वेशन आपको मिला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा इंडेक्स मैक्सिमम 2 और वेरिएबल 1,
ओनली वन वेरिएबल दैट इज द यम, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है 2, सो इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट में है फाइव नंबर, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 = 3m³। चलो राइट साइड में जो नंबर है आपको लेफ्ट साइड ला लेना है एम क्यूब, उसके बाद जो माइनस 3m³ प्लस 3m² माइनस 2 = 0। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है, माइनस 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्यूब आ रहा है, इसका मतलब जब क्यूब आता है तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाते हैं। तो ओनली वन वेरिएबल तो यम है, यहाँ पे वेरिएबल वन है नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जो इंडेक्स है वहाँ 3 है, और 3 जब इंडेक्स होता है तो इट इज़ अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अंदर राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0 एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ला लेना है, जैसे कि हमने इसके इसके पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 2y = 10 माइनस y². जो भी राइट साइड में टर्म्स है सभी टर्म्स को आपको ला लेना है लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से सबसे पहले y माइनस y² है तो यहाँ पे हम प्लस y² लेते हैं, यहाँ पे 2y प्लस है तो प्लस रख देते हैं, और इक्वल टू 10 एज इट इज़ रखें। अब हमें पे 10 जो है जो फिर से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, y² प्लस 2y माइनस 10 = 0, हमें राइट साइड में यहाँ पे 0 रख लेना है। अब देखिए हमने हमने ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस फॉर्म में ला लिया है, तो अब हम यहाँ पे इसे इसे हम क्या कर लेते हैं, अभी यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये का जो कोएफिशिएंट है, जो ये कोएफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है आपको। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -10, हमने ये वैल्यूज यहाँ पर ली हुई है यहाँ पे आंसर फॉर सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे जब देखेंगे तो एक्सपेंशन फार्मूला आपको पता हो इसका, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो हम ब्रैक एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू इज 2x प्लस 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे जो 2x है हम राइट लेफ्ट साइड में लाएंगे, 3 भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो 2x प्लस जो है तो यहाँ पे आकर माइनस 2x होता है, ये माइनस 2x और ये माइनस 2x 4x होते हैं, और 3 जब इधर आते हैं तो माइनस होते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ है x² माइनस 4x माइनस 2 = 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a = 1, b = -4 और c = -2। चलिए आंसर फॉर थ्री क्वेश्चन थ्री इक्वेशन, x² प्लस 5x = -3 माइनस एक्स। अब माइनस से आपको पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको मिलेगा -3 प्लस 6x इस तरह से। अब हम यहाँ पे जो भी सॉरी यहाँ पे ये = 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती से आ गया है, तो अब यहाँ पे -3 प्लस एक्स जो है वो लेफ्ट साइड में ला लेना है। तो हम यहाँ पे लाते हैं x² प्लस 5x एज इट इज़, -3 का प्लस हो गया और प्लस एक्स का माइनस हो गया। तो हम यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है ये 5x और -6 लाइक टर्म्स है, तो हम इसके अंदर जो है सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 5x माइनस एक्स 4x प्लस 3 ये इक्वेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमको मिलेंगे a = 1, b = 4 और c = 3। नेक्स्ट आंसर फॉर इक्वेशन नंबर 4, 3m² = 2m² माइनस 9, 3m² माइनस 2m² प्लस 9 = 0। बस यहाँ पे लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एम स्क्वायर सिर्फ 3 माइनस 2 1 वन एम स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे जो यम वेरिएबल नहीं रहता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे यम के साथ 0 लगा कर ले सकते हैं, प्लस 9 = 0। आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यम 1 a = 1, b = 0 और c = 9। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर जब यम वेरिएबल नहीं आता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5, सबसे पहले हम यहाँ से पी से मल्टीप्लाई कर रहे थे ब्रैकेट को, 3p प्लस 6p² प्लस v = 5 = 0, -5 का हम इधर ला लिए। अब बस आपको यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए इस इंडेक्स को, 6p² प्लस 3p प्लस 5 = 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे और लिख देंगे a = 6, b = 3 और c = 5। नेक्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 9 = 13, 13 को ला लीजिए इधर, x² माइनस 9 = -13, तो यहाँ पर होता है x² माइनस 22 = 0। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल x नहीं मिल रहा है तो हम 0 के साथ ले लिए हैं, तो बस आपको लिखना है a = 1, b = 0 और c = -2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।
जो भी आपके इस इक्वेशन के सामने जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स है क्या, इसका सॉल्यूशन ये जो भी वैल्यूज़ है ये है क्या, आपको ये डिसाइड करना है, आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आपको दी गई है वन और माइनस वन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर वन, जब अगर एक्स की वैल्यू वन होती है तो क्या ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन का रूट है। तो हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको इस वैल्यू को पुट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। एक्स एक्स इज़ द वन, वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू दैट इज़ द वन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी जीरो अगर आती है तो ये एक्स इक्वल टू वन इस इक्वेशन का रूट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे वन स्क्वायर वन फोर इंटू वन फोर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो लिख लिए। तो वन एज इज वन, फोर माइनस फाइव माइनस वन, वन माइनस वन जीरो होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ का एडिशन फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो एक्स इक्वल टू वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट वैल्यू फॉर एक्स माइनस वन लिए हमने इसी इक्वेशन के लिए, तो वैल्यूज रख देते हैं। तो माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कर दीजिए कैलकुलेशन, माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, माइनस फोर माइनस फाइव, वन माइनस फोर माइनस थ्री, और ये माइनस फाइव होता है माइनस एट, और नॉट इक्वल टू जीरो। माइनस एट और जीरो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ अ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट इज़ अ नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल टू जीरो, एम इज़ द टू और फाइव अपॉन टू। तो सबसे पहले फॉर एम इक्वल टू टू हम लेते हैं, देखिए क्या होता है, टू इंटू टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू इक्वल टू जीरो, टू इंटू टू स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू एट, माइनस फाइव इंटू टू टेन, यहाँ पे होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब एम इक्वल टू टू जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन यानी रूट नहीं है। एम इक्वल टू टू इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लेते हैं एम इक्वल टू फाइव अपॉइंट टू के लिए, तो टू इंटू फाइव अपॉइंट टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फाइव अपॉइंट टू। अब चलिए जब स्क्वायर होता है तो ये फोर होता है, टू से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है टू इंटू फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, टू स्क्वायर फोर माइनस फाइव इंटू फाइव अपॉइंट टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डिवाइड होता है टू इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉइंट फोर, जो फोर है फोर और टू का डिवाइड यहाँ पे होता है। देखिए हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे टू बचा, ट्वेंटी फाइव अपॉइंट टू माइनस ट्वेंटी फाइव, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉइंट टू, तो यहाँ पे होता है जीरो इक्वल टू जीरो। दैट मीन एम इक्वल टू फाइव पॉइंट टू इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल टू थ्री इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी हमने देखा हुआ है जब रूट होता है इसका मतलब जब वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों भी साइड्स लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यू है एक्स की थ्री है, थ्री वैल्यू सेटिस्फाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है के की। तो चलिए इक्वेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सो एक्स इक्वल टू थ्री, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री स्क्वायर, यहाँ पे इसको आपको जो है यहाँ पे ये गलती से नीचे है, यहाँ पे आपको स्क्वायर में होना चाहिए, थ्री स्क्वायर माइनस टेन इंटू थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे स्क्वायर करें तो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन के माइनस थर्टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस थर्टी प्लस थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन, और जो माइनस ट्वेंटी सेवन है तो राइट साइड में जाएगा, नाइन के इक्वल ट्वेंटी सेवन, तो नाइन से डिवाइड करने के बाद आपको के मिलता है थ्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस के इक्वल टू जीरो इज माइनस सेवन अपॉन फाइव, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर एम इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन फाइव है, इन द इक्वेशन आपको रख देना है इसके अंदर। तो फाइव ये जो इक्वेशन है फाइव एम स्क्वायर मतलब माइनस सेवन अपॉन फाइव इट्स स्क्वायर, माइनस सेवन अपॉन फाइव इट्स स्क्वायर होता है। उसके बाद प्लस टू टू इंटू यम, यम है माइनस सेवन अपॉन फाइव, फिर से आपको यहाँ पे सेवन अपॉन फाइव जो है पुट कर लेना है, प्लस के इक्वल टू जीरो होता है। अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर जो है फाइव है और यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है
तो यहाँ पे 25 इसका स्क्वायर आप देखेंगे तो दोनों का भी स्क्वायर करना होता है, -7 का स्क्वायर होता है +49, राइट ना, करेक्ट। और देखेंगे ये 25 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे ये डिवाइड में 5 से डिवाइड होता है 25 को, तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे कितना बचा 5, प्लस 2 इंटू -7 है, -7 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो -14/5, -14/5। अब प्लस के इक्वल टू 0, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है 49 माइनस, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 49 माइनस 14 होता है 35, अपॉन में आता है 5। अब 5 से हम मल्टी डिवाइड करेंगे 35 को, तो होता है 7, और 7 जो होता है राइट साइड में जाएगा तो होता है -7। ये इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। ओके बाय।